16 बंदे रहे हैं भाई, वो तो मैं देख रहा। मैं मेरे को एक चीज तो बताओ, अरुण भाई का तो समझ आता है, अभिषेक के क्या दिक्कत हो रही है भाई? दोस्तों, बीते शनिवार तहलका भाई को घर से एविक कर दिया गया। यह एविक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। इस एविक्शन की वजह से सभी घर वाले हाथ जोड़कर बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते नजर आए और 16 के 16 घर वाले रोते हुए नजर आए। अब तहलका भाई घर से बाहर आए। घर से बाहर आते ही उन्होंने एल्विश यादव से वीडियो कॉल पर बात की। आप खुद ही सुने आखिरकार उन्होंने क्या बात की और किस किस को एक्सपोज किया है घर से बाहर आने के बाद। वो पहले चिल्लाता फिर रोता, उसके कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये कैमरा फेसिंग बंदा है। इसने अभी 20 दिन पहले एक नाम लिया था बिग बॉस शो के अंदर कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला सर को फॉलो करता हूँ, उनके तरीके फॉलो करता हूँ। तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि तू जिस दिन का नाम ले रहा है उस लायक, मतलब उनका नाम कंपेयर मत करो, अभी तुम बहुत पीछे चल रहे हो, उनका नाम मत जोड़ो जिसका तुम नाम लेना चाह रहे हो। तो मैं समझ गया था ये छाती मारना, टक्कर मारना, छाती छाती टक्कर मारना। तो सिद्धार्थ सर खड़ा करते थे, ये सारी कॉपी करके अब कैमरे में क्या करता है ये, जैसे लाइक उसके साथ लड़की बैठी हुई है खानदादी, देखो हमें कैमरा तब देखेगा जब हम कुछ रोमांटिक करेंगे, और जैसे विक्की भैया खड़े हैं, विक्की भैया हम ऐसी बात करेंगे जिससे कैमरा। इस लंबी चौड़ी बातचीत के अंदर कुछ छोटा सा हिस्सा ही एल्विश ने दिखाया और बताया है कि तहलका भाई को कहीं ना कहीं एविक्ट करने के पीछे एक साजिश भी छुपी हो सकती है। और यहां पर तहलका भाई ने अभिषेक जैसे कलाकारों को कर दिया है एक्सपोज। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।